आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यहां से अब हमें क्या क्या कवर अप करना है। ये तो अपन ने डाउनलोडिंग वाला पार्ट कर लिया, टेस्टिंग कर ली, थोड़ी सी क्विज कर ली ताकि पुरानी चीजें रिकॉल हो जाएं। अब हमें सिस्टम में पाइथन डाउनलोड कर लेने के बाद पाइथन को यूज हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इन टॉपिक्स पे बात करनी है। इन हाउ मेनी वेज कैन वी मेक यूज ऑफ पाइथन, ध्यान दीजिएगा। उसमें से जो टॉप के दो तरीके हैं जो सबसे बेसिक लेवल पे आप सीखेंगे, आज मैं उनके बारे में बात करूंगा, जिसमें से एक तरीके का नाम है पाइथन शेल, नोटिस कीजिएगा, एक तरीके का नाम है पाइथन स्क्रिप्ट, राइट। बाकी मैं आपको बता दूं पाइथन यूज करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, मैं भी आपको सबकी लिस्ट दूंगा कितने तरह से आप आपके सिस्टम पे पाइथन पे काम कर सकते हैं। बट जो सबसे बेयर मिनिमम तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है, मिनिमम सॉफ्टवेयर से काम हो जाएगा, मैं बता रहा हूं शेल क्या है, थोड़ी सी पेशेंस रखिए, बता रहा हूं मैं, ठीक। जो बेयर मिनिमम तरीका है पाइथन पे, पाइथन से इंटरेक्ट करने का, वो है पाइथन का शेल या पाइथन की स्क्रिप्ट। ये दो तरीके हैं जो बिगनर्स यूज करते हैं, और एक बार आप पाइथन में कंफर्टेबल हो गए फिर वो आप बाकी के तरीकों को भी यूज करना सीख जाएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे शेल क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, शेल पे कैसे काम करते हैं और स्क्रिप्ट पे कैसे काम करते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट लेक्चर से आप मेरे से पूछ रहे थे हम बाइट कोड देख सकते हैं क्या, अगर आज कंपाइलेशन तक पहुंच गए, मुझे लग रहा है आज टाइम कम बचा है, अगले लेक्चर तक पहुंचेंगे, पर जैसे ही कंपाइलेशन आपको मैं सिखाऊंगा उस दिन मैं आपको जरूर बताऊंगा कैसे हम बाइट कोड को भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं पाइथन बाइट कोड हमको दिखाती है या पाइथन बाइट कोड हाइड करती है। पाइथन बाइट कोड को हाइड करती है, वेरी गुड। लेकिन अगर हमें देखना हो तो हम उसे देख सकते हैं, जिसका एक स्पेशल स्पेशल तरीका होता है, ओके? चलिए, तो आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं पाइथन आप कितनी तरीकों से अपने सिस्टम पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सारे तरीके आप एक साथ नहीं पढ़ेंगे, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। इन हाउ मेनी वेज कैन वी यूज पाइथन, ठीक है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं पाइथन के यूजेस क्या है, ये अलग क्वेश्चन है, राइट। पाइथन के यूजेस तो आपने देख लिए, वेब एप्लीकेशन में भी पाइथन यूज होती है, डेटा एनालिसिस में भी यूज होती है, मशीन लर्निंग में भी यूज होती है, वो नहीं बोल रहा हूं। हमने अपने कंप्यूटर में पाइथन डाल ली, आप पाइथन को यूज कैसे करें, सो द आंसर इज देयर आर मल्टीपल वेज टू यूज पाइथन, ठीक है। क्या क्या, नंबर वन वाया शेल, जो आपको अभी मैं बताने जा रहा हूं, नंबर टू वाया स्क्रिप्ट, नंबर थ्री वाया आईडी लाइक पाइचाम, नंबर फोर वाया नोटबुक लाइक जुपिटर, नंबर फाइव वाया डिस्ट्रीब्यूशंस लाइक एनाकोंडा, वाया डिस्ट्रीब्यूशंस लाइक एनाकोंडा। दीज आर डिफरेंट वेज यूजिंग विच वी कैन इंटरैक्ट विद पाइथन, राइट। अब इनमें ध्यान, अच्छा हाँ, देयर इज वन मोर, वाया आइडल, वाया आइडल, दीज आर डिफरेंट वेज यूजिंग विच वी कैन यूज विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन इंटरैक्ट विद पाइथन। अब इसमें तीन ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता पाइथन के अलावा, तीन ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ता पाइथन के अलावा, और ये तीन चीजें हैं शेल, स्क्रिप्ट और आइडल। जब आपने अपने कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल कर लिया है तो ये तीनों आपको ऑटोमेटिकली यूज करने को मिलेंगे, बाकी के जो तीन आप देख रहे हैं दे रिक्वायर एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, दे रिक्वायर एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, राइट। तो हम लोग इनिशियली इंटरैक्ट करेंगे शेल एंड स्क्रिप्ट से, उसके बाद फिर मैं आपको आईडीज वगैरह पे इंटरैक्ट करना सिखाऊंगा, क्लियर। राहुल मैंने कहा एनाकोंडा पाइथन का एक ऐसा सेटअप आप मान लीजिए जिसमें आपको पाइथन भी मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें आपको एक आईडीई भी मिलेगा जिसका नाम है स्पाइडर,
जिसके अंदर आपको पाइथन की लाइब्रेरीज भी मिलेंगी जो आपको अलग से डाउनलोड करनी पड़ती हैं अगर आप डायरेक्ट पाइथन को यूज करते हैं तो। क्लियर? चलूं आगे। डन। वी आर गोइंग टू यूज पाइचार्म, वील बी यूजिंग दिस आईडी। समझ में आया सबको? क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? वेरी गुड रजत। अगर सिंटेक्स एरर होगी तो आपको दिखेगी बकायदा। कंपाइलेशन पार्ट हिडन है, मतलब बाइट कोड आपको नहीं दिखता, बट सिंटेक्स एरर आपको बकायदा दिखेगी। और मैं आपको बताऊंगा आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे पाइथन में कि ये सिंटेक्स एरर है कि ये एक्सेप्शन है। ओके रजत? ठीक है, पहली पहचान तो पाइथन ही बता देगी। अगर सिंटेक्स एरर होगी तो बकायदा लिखा हुआ आएगा सिंटेक्स एरर। ठीक है, देखिएगा जब मैं प्रोग्राम कंपाइल और रन करूंगा तब आपको बताऊंगा ये सारी चीजें। अगला लेक्चर बहुत क्रूशियल है, अगले लेक्चर में सारे डाउट सॉल्व करूंगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है जैसा मैंने कहा बेसिक इंटरैक्शन आप पाइथन से कैसे करेंगे, राइट? तो आपका बेसिक इंटरैक्शन पाइथन से दो तरीके से होगा। ठीक है, दोनों ही मैंने आपको वर्बली बता दिए। नहीं, जुपिटर आईडी नहीं है अमित, जुपिटर इज नॉट एन आईडी। जुपिटर एक नोटबुक है जिसमें आप पाइथन के कमांड्स रन कर सकते हैं, आउटपुट्स को सेव कर सकते हैं, अपने कमांड्स को सेव कर सकते हैं, जैसे कॉपी में आप लिख रहे होते हैं। जब यूज करूंगा ना मैं तब आप देखना डिफरेंस। यस 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 रवि, एग्जैक्टली, दिस इज अ सिंटेक्स एरर। या आप डबल कोट मिस कर दीजिए प्रिंट में, एक डबल कोट ओपन करिए और क्लोज मत करिए, दे ऑल विल गिव सिंटेक्स एरर्स। यस हिमांशु, पांडा इज अ लाइब्रेरी। शैल आई प्रोसीड? आगे बढ़ूं? चलो, तो सुनिए अब ध्यान से। तो मैंने आपसे कहा पाइथन में बेसिक इंटरैक्शन, बेसिक लेवल पे पाइथन से इंटरैक्ट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक, आप यूज कर लें शेल। ओके, तरीका नंबर दो, आप यूज कर लें स्क्रिप्ट। ये जो शेल होता है इसे आप यूज करते हैं पाइथन के सिंपल कमांड्स को रन करने के लिए। ओके, आप इसमें कोई फुल फ्लेज प्रोजेक्ट नहीं डिजाइन करते, कोई फुल फ्लेज कोड डिजाइन नहीं करते, आप नॉर्मली शेल को यूज करते हैं छोटे छोटे स्टेटमेंट्स चलाने के लिए। मैं बताता हूं शेल किसको कहते हैं। और अगर आपको लग रहा है सर एक फुल फ्लेज कोड बनाना हो, तो अगर आपको एक फुल फ्लेज कोड बनाना है तो आप यूज करते हैं पाइथन में स्क्रिप्ट। तो आप यूज करते हैं पाइथन में स्क्रिप्ट, दिस इज यूज फॉर फुल फ्लेज कोडिंग। अगर आप एक फुल फ्लेज कोड लिख रहे हैं तो आप स्क्रिप्ट यूज करें। स्क्रिप्ट यूज करने का मतलब आप नोटपैड के थ्रू प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, और शेल का मतलब है आप जो भी कर रहे हैं वो एक कमांड प्रॉम्प्ट जैसी विंडो पे जाकर करेंगे। वो आप एक कमांड प्रॉम्प्ट जैसी विंडो पे जाकर करेंगे, वो एक्चुअली कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है, वो पाइथन का शेल है। और आप अभी देखिएगा उसमें हम लोग प्रोग्राम्स नहीं, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स, छोटे छोटे कैलकुलेशंस करने का काम कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं शेल किसको कहते हैं, व्हाट इज शेल इन पाइथन। देखिए, जब पाइथन आप कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेंगे तो अपने स्टार्ट मेन्यू में आइए और यहां आकर लिखिए आप पाइथन। जैसे ही यहां पर आप पाइथन लिखेंगे, मुझे वर्जन नंबर देना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास दो पाइथन है, आपको तो वर्जन नंबर भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आपके यहां पाइथन का सिंगल इंस्टॉलेशन होगा। तो आपको कुछ लिंक्स दिखेंगे यहां पर, इनमें पाइथन 3.8 जो लिखा हुआ आ रहा है उस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक ब्लैक कलर की विंडो पॉपअप होगी। ये जो ब्लैक कलर की विंडो आप देख रहे हैं इसी को मैं पिछले 15 मिनट से बार बार आपके सामने बोले जा रहा हूं, शेल। दिस इज पाइथन्स शेल, राइट? इसको पाइथन का शेल बुलाते हैं।
अब आप इसे कंपेयर कीजिए अपने कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट वाली विंडो से, तो दोनों आपको बिल्कुल सिमिलर नजर आएंगी। देखिए ध्यान से, जो सामने आपको दिख रही है वो आपके कंप्यूटर की कमांड प्रॉम्प्ट विंडो है, जो बैकग्राउंड में आपको दिख रही है वो पाइथन का शेल है। अब आप सब मुझे बताइए, आपने इस कमांड प्रॉम्प्ट विंडो पे काम थोड़ा बहुत तो करा ही होगा। कैन यू टेल मी इस विंडो को आप किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, बताइए जल्दी। फॉर वॉट पर्पज वी मेक यूज ऑफ दिस कमांड प्रॉम्प्ट विंडो? आप इसे यूज करते हैं फॉर एग्जीक्यूटिंग डॉस कमांड्स। अगर डॉस आपने थोड़ा बहुत सीखा हो तो डॉस के कमांड्स के लिए आप इस कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं। इसी को आप लिनक्स या मैक में टर्मिनल विंडो बुलाते हैं। जिसे आप वहां टर्मिनल बुलाते हैं उसे यहां पर हम लोग बुलाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट विंडो। और क्या यूज होता है इसका, मैं कुछ एक बता देता हूं आपको। इस समय बताइए मैं कौन से फोल्डर में हूं, इस समय मैं कौन से फोल्डर में हूं, कमांड प्रॉम्प्ट की बात कर रहा हूं, सचिन फोल्डर में हूं। अगर मुझे सचिन फोल्डर की सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज देखनी है तो आई हैव अ कमांड, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी नोइंग इट, दैट इज DIR कमांड। जैसे ही DIR लिखकर एंटर स्ट्राइक करेंगे मुझे बताया जाएगा सचिन वाली इस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स हैं, कौन कौन सी फाइलें अवेलेबल हैं। क्लियर? इसी तरह से नोटिस करिए, अगर मुझे इस पूरी स्क्रीन को क्लियर करना है तो वी हैव अ कमांड कॉल्ड एज CLS, जिससे पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा, छोटे छोटे पाइथन के कमांड्स अगर आपको चलाने हो, टेस्ट करने हो, तो वो आप कर सकते हैं ऑन दिस पाइथन शेल। इसमें ये भी याद रखिएगा, इफ समवन सेज, ये क्या कहलाता है, ये जो तीन ग्रेटर देन के साइन आ रहे हैं, ये जो तीन ग्रेटर देन के साइन आ रहे हैं, वी कॉल देम पाइथन प्रॉम्प्ट। दिस इज कॉल्ड पाइथन प्रॉम्प्ट। तो आप पाइथन प्रॉम्प्ट पे अपने कमांड्स लिखेंगे, अपने स्टेटमेंट्स लिखेंगे और तुरंत के तुरंत पाइथन उसे एग्जीक्यूट करके आपको उसका दिखा देगी आउटपुट। राइट? क्लियर हुआ? अब देखिए इसका छोटा सा डेमो मैं आपको देता हूं। मान लीजिए मुझे पाइथन में स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करवाना है। अब आप मानते हैं अगर सी लैंग्वेज में आपको मैं ये हेलो प्रिंट कराने को बोलता तो आप बकायदा फॉर्मल वे में पूरा प्रोग्राम लिखते? आप मानते हैं सी में अगर मैं आपको हेलो प्रिंट कराने को बोलता तो बकायदा फॉर्मल वे में कोड लिखते, आप एक फाइल बनाते, उसमें मेन होता, उसमें प्रिंट एफ होता, डॉट सी एक्सटेंशन से सेव करते, फिर उसे कंपाइल करते, फिर उसे रन करते। आप पाइथन में भी ऐसे कर सकते हैं। और गौर करिएगा, ऐसे अगर आपको पाइथन में काम करना है तो मैं बार बार कह रहा हूं इसी के लिए दी ऑप्शन इज स्क्रिप्ट। अगर आप बिल्कुल सी स्टाइल में करना चाहते हैं कि प्रोग्राम प्रॉपर लिखें, फिर सेव करें, फिर उसे एग्जीक्यूट करें, ये आपको स्क्रिप्ट देती है। बट अगर आपको लग रहा है खाली प्रिंट की टेस्टिंग ही आपको करनी है तो देयर इज नो नीड टू फॉलो दिस मच लेंथी अप्रोच। आप शेल पे आइए, शेल पे आकर लिखिए प्रिंट और यही लिख दीजिए डबल कोट्स के अंदर हेलो। जैसे ही प्रिंट हेलो लिखकर आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, यू विल गेट दी आउटपुट। ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट। रूट, आप जो पूछ रहे हैं, योर गुड नेम इज रूट, मे आई नो योर गुड नेम प्लीज? निशांत, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट। लेकिन अगर आपको यही करना है, स्टेप बाय स्टेप रन करना है, उसी के लिए स्क्रिप्ट मोड दिया हुआ है, बाकी कर सकते हैं आप, नो हार्म इन दैट। बट दैट डजंट लुक नाइस, दैट डजंट लुक मोर इंटरैक्टिव। वो इंटरैक्टिविटी आपको स्क्रिप्ट में और कमांड प्रॉम्प्ट पे ज्यादा मिलेगी। राइट? चलिए, तो आपने प्रिंट हेलो लिखा तो आपको आउटपुट में हेलो मिल जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपने पाइथन से कहा 2+3 करना है। ठीक, अब आप मुझे बताइए सी में 2+3 करने के लिए क्या करना पड़ता है? 2+3 करने के लिए क्या करना पड़ता है? 2+3 करने के लिए बकायदा आपको कोड प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। यहां आप सीधे 2+3 करिए, पाइथन एक मिनी कैलकुलेटर की तरह दोनों को ऐड करके आपको इसका रिजल्ट दिखा देगी। बकायदा इतना ही नहीं, पूरा बॉडमास भी यहां आपको अप्लाई होता हुआ दिखेगा। जैसे मैंने कहा 2+3 × 4, बकायदा पाइथन बॉडमास यूज करेगी, 4 × 3 = 12, 12+2 = 14 एज अ रिजल्ट देगी। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे कोड्स चला के देखने हो तो आप वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस विंडो, एंड दिस विंडो इज कॉल्ड एज पाइथन शेल। एक फायदा तो इस विंडो का ये है। दूसरा फायदा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आपने कीवर्ड्स का नाम सुना है? आप सब प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं, हैव यू हर्ड द वर्ड कीवर्ड्स? है ना, कीवर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिजर्व वर्ड्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इन्हें रिजर्व वर्ड के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, सी में कितने कीवर्ड्स होते हैं?
इफ समवन कैन टेल मी 32, राइट, क्या वो 32 कीवर्ड्स सी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं? क्या वो 32 कीवर्ड्स सी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं? मैं इंटरनेट पे जाकर देखने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी किताब में देखने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या आपका आईडीई या आपका कंपाइलर आपको ये कीवर्ड्स दिखाएगा? नहीं, बट पाइथन इज सो सपोर्टिव कि आप पाइथन की बहुत सारी इंटरनल चीजें इस शेल में जाकर देख सकते हैं। शेल से पूछिए, शेल आपको बताएगा पाइथन के पास कितने कीवर्ड्स हैं। सी लैंग्वेज में इफ एल्स होता है, आप याद करिए, आपको कभी इफ एल्स का सिंटेक्स सी की तरफ से नहीं बताया जाता, बट आपको शेल में पाइथन के इफ एल्स का सिंटेक्स भी बताया जाएगा। हाँ, जावा में देख सकते हैं, बिल्कुल सही, बट यहां पे नहीं। जावा की बात छोड़ दीजिए, जावा इज डिफरेंट। जावा में भी ये फीचर बहुत बाद में आया है, पहले जावा में भी शेल नहीं था, जावा में भी बाद में शेल आया है, राइट। अब पाइथन में आप आइए, और अगर आपको पाइथन के कीवर्ड्स देखने हैं, पाइथन में आपको पता करना है बिल्ट इन कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, तो आप सबसे पहले हेल्प लिखिए। गौर करिए, हेल्प के बाद मैंने पैरेंथेसिस लगाया है, ऐसा करने से आप पाइथन के हेल्प मोड में चले जाएंगे। एंटर स्ट्राइक करिए, जैसे एंटर स्ट्राइक करेंगे आप पाइथन की हेल्प यूटिलिटी में होंगे। अब यहां बैठकर आप पाइथन से कुछ भी पूछिए, बिल्कुल एक मेंटर की तरह, एक ट्यूटर की तरह शेल आपको गाइड करेगा, बिल्कुल एक ट्यूटर की तरह शेल आपको गाइड करेगा, राइट। जैसे मुझे पता करना है पाइथन से ये फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज अ फंक्शन, तो आप हेल्प में आइए, हेल्प में आकर आप इस तरह की डिटेल्स निकाल सकते हैं। अभी मुझे फिलहाल कीवर्ड्स पता करने हैं, तो आप यहां लिखिए कीवर्ड्स। जैसे ही आप कीवर्ड्स लिखेंगे, नोटिस करिए, शेल आपको कीवर्ड्स की पूरी डिटेल दे देगा, कीवर्ड्स की पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पे दिख जाएगी। आप ये जितने भी देख रहे हैं, नोटिस करिए, सारे पाइथन के कीवर्ड्स हैं। और आगे के लेक्चर के लिए एक और जरूरी बात याद रखिएगा, एक और जरूरी बात याद रखिएगा, कीवर्ड्स नॉर्मली लोअर केस में होते हैं, कीवर्ड्स नॉर्मली लोअर केस में होते हैं, बट गौर करिए यहां पर तीन कीवर्ड्स ऐसे हैं जो शुरू अपर केस से हो रहे हैं, आपके नोटिस में आ रहे हैं। वन इज फॉल्स, दिस इज बिगनिंग विद एन अपर केस लेटर, अदर वन इज नन, थर्ड वन इज ट्रू, राइट। ये सारे के सारे स्टार्ट हो रहे हैं विद अपर केस लेटर। बाकी ये कंप्लीट लिस्ट है पाइथन 3.8 के कीवर्ड्स की, जो आप अपनी प्रोग्रामिंग में आगे चलकर यूज करेंगे। फंक्शन शो करता है, राहुल मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही है, मैं आपको बताऊंगा, सब करेगा, ये फंक्शन शो करेगा, इफ एल्स वगैरह करेगा। लेट मी चेक, आप इसको बोलिए व्हाइल, ये देखिए व्हाइल का सिंटेक्स आ गया पूरा, व्हाइल कैसे यूज होता है, ऐसे सब कुछ बताएगा। फंक्शंस में मैं कुछ मिस कर रहा हूंगा इसलिए नहीं बता रहा है, बाकी सारी चीजें सारी डिटेल से आपको देगा। ऐसे आप पूछिए इफ, तो ये आपको इफ का सिंटेक्स बताएगा। पाइथन में फॉर लूप होता है, ये आपको फॉर का सिंटेक्स बताएगा। क्लियर हुआ? अभी सिंटेक्स भी मत पढ़ना, अभी आपको सिंटेक्स समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हो, बट इतना सीखो कि आप शेल में जाकर पाइथन की इंटरनल चीजों के बारे में डिटेल्स निकाल सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? शेल का पर्पस समझ में आया, राइट? तो शेल इज बेसिकली यूज फॉर टू पर्पसेस, फॉर प्रैक्टिसिंग स्मॉल कमांड्स नंबर वन, नंबर टू फॉर गेनिंग इंटरनल हेल्प, फॉर गेटिंग इंटरनल हेल्प विद पाइथन रिगार्डिंग सम ऑफ इट्स टॉपिक्स। जैसे सी में हेडर फाइल्स होती हैं, सी में हेडर फाइल्स होती हैं, ऐसे आप आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे पाइथन में मॉड्यूल्स होते हैं। पाइथन में हमारे पास हेडर फाइल्स नहीं होती हैं, पाइथन में हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं, और आप पाइथन में शेल में आकर सारे मॉड्यूल्स के नाम देख सकते हैं, सबकी लिस्ट देख सकते हैं कि पाइथन के पास कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जो आप आपके कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? समझ आया? गुड। आइए अब आप ट्यूजडे में आपको बताता हूं स्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं, और ट्यूजडे स्टार्ट करेंगे पाइथन का पहला प्रोग्राम लिखना और रन करना, और यह भी देखना कि बाइट कोड अगर हमें देखना हो तो कैसे देखेंगे। क्लियर? नहीं आशीष, यहां क्लियर स्क्रीन नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, शेल पे डायरेक्ट क्लियर स्क्रीन का तरीका नहीं है, वो एक इनडायरेक्ट तरीका है, बताऊंगा मैं आपको आगे कैसा है, डायरेक्ट यहां पे क्लियर नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और,
हेल्प से बाहर कैसे आएंगे? हेल्प से बाहर आएंगे सिंपली एंटर दबाकर, एग्जिट नहीं, एग्जिट नहीं चलेगा यहां पर, सिंपली आप एंटर दबाइए, आप शेल से बाहर आ जाएंगे। कहां जाएंगे? वापस प्रॉम्प्ट पे, और प्रॉम्प्ट से बाहर निकलना हो तो आप यूज करेंगे एग्जिट। जैसी एग्जिट यूज करेंगे आप आ जाएंगे प्रॉम्प्ट से बाहर। तो अगर आपको हेल्प से बाहर आना हो तो एंटर, तो आप पहुंच जाएंगे शेल पे, शेल पे लिखिए एग्जिट, तो शेल पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड पाइथन फाइल्स। प्रति, लाइब्रेरी इज समथिंग जो एक फुल फ्लेज कोड के लिए, एक फुल फ्लेज फंक्शनैलिटी के लिए आपको मिलती है। मॉड्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, उनमें सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस करने के फाइल्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। लाइब्रेरीज आर टारगेटेड टुवर्ड्स ह्यूज टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल, नमपाई इज अ लाइब्रेरी, पांडा इज अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी इटसेल्फ कंटेन्स मॉड्यूल्स। कृति, समझ में आया आपको? अ लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स विच आर डिजाइन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और इंडिविजुअल मॉड्यूल्स अगर आप ले लें तो वो सिंपल सिंपल फाइल्स होती हैं जिनमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस आपको मिलेंगे। नोट्स आपको गूगल क्लासरूम पे भी शेयर होंगे, आपका गूगल क्लासरूम पे हम लोग बना रहे हैं क्लासरूम, और तब तक मैं नोट सारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहा हूं। हाँ सौम्या, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सी का CLRSCR पाइथन से कॉल, बट अभी नहीं, अभी पहले पाइथन के बेसिक्स तो पढ़ लीजिए। आप लोग मेरे नंबर पे मैसेज कर दें, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप बता देता हूं। जस्ट नोट डाउन माय नंबर।